20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेहड़ी पटरी लगाने वाले छोटे व्यापारी और दुकानदारों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। कोविड 19 से प्रभावित पटरी कारोबारियों को दोबारा व्यापार सुचारू ढंग से चलाने के लिए इसकी जिम्मेदारी केंद्र आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के पास है। इस योजना की फंडिंग भी यही मंत्रालय कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के लिए एक निश्चित लाभार्थियों की संख्या निर्धारित की गई है, जिसमें सबसे अधिक लक्ष्य उत्तर प्रदेश को दिया गया है। देश में मौजूद 3 लाख से अधिक साझा सेवा केंद्रों के जरिए इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। इसके लिए कारोबारी को स्थानीय निकाय से रेहड़ी पटरी दुकानदार होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। जिन कारोबारियों के पास स्थानीय निकाय का प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है, लेकिन वे स्थानीय निकाय द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में शामिल हो रहे हैं, उनको भी इसका लाभ प्रदान किया जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी आवेदन करने वाले दुकानदारों को 15 दिन के अंदर एक वैकल्पिक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। समय पर लोन भुगतान करने वाले लाभार्थियों को इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत तकरीबन 28 रुपए प्रतिदिन सरकार मदद के रूप में रेहड़ी पटरी कारोबारियों को दे रही है। सरकार को चाहिए कि एक नए सर्वेक्षण के जरिए सभी रेहड़ी पटरी कारोबारियों को चिन्हित करते हुए डिजिटल कार्ड बनाएं। इससे सही लाभार्थियों को लाभ भी मिल सकेगा और इन कारोबारियों को एक डिजिटल डाटा भी सुनिश्चित हो सकेगा।